जिम्बाब्वे ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान अभी तक नहीं कर सका। जी हाँ, ओडीए की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान ने अभी तक 400 प्लस रन स्कोर नहीं किए, और क्या आज जिम्बाब्वे ने 400 प्लस रन स्कोर कर दिए। अगर मैं बात करूं उन टीमों की जिन टीमों ने अभी तक 400 प्लस रन स्कोर कर दिए, तो आप सुन के शॉक हो जाएंगे कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। बात करते हैं टीमों की, सबसे पहले आती है ऑस्ट्रेलिया, इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका, आपको याद होंगे इनके मैचेस। इंग्लैंड ने भी 400 प्लस रन स्कोर किए हुए, इंडिया ने भी किए हुए हैं, न्यूजीलैंड ने भी किए हुए हैं, लंका ने भी किए हुए हैं, और अब तो जिम्बाब्वे ने भी कर लिए। लेकिन किसने नहीं किए? पाकिस्तान ने नहीं किए। पाकिस्तान ने क्यों नहीं किए? अब देखा जाए तो हर बड़ी टीम ने इसको जिसको कहते हैं ना 400 प्लस रन स्कोर किए, तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं किए? पाकिस्तान ने इसलिए नहीं किए क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को एडवांस नहीं किया। पाकिस्तान ने अभी तक अपने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव नहीं किया क्योंकि बाकी सारे बोर्ड से इंप्रूव कर लिया। जिम्बाब्वे अपनी होम सॉइल के ऊपर आपने देखा कैसी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के अंदर 4 के 4 मैचेस जीता है। आज उन्हें यूएसए के अगेंस्ट सेकंड हाईएस्ट मार्जिन विक्ट्री हासिल की है। ओडीआई की 304 रन की विक्ट्री है, बहुत बड़ी जिसको कहते हैं विक्ट्री है। 408 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने स्कोर किए, और जिम्बाब्वे दिखा रहा है कि अपने घर के अंदर कैसे खेलते हैं, इतनी तेज वो क्रिकेट खेल रहे हैं। शॉन विलियम्स ने 171 रन की बल्लेबाजी की, क्रेग एडवाइस, सिकंदर रजा, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अखीर जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हर मौके पे अपनी टीम को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज भी जबरदस्त किस्म की विक्ट्री हासिल की, 104 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया यूएसए की टीम को, दिखाया कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे बल्लेबाजी करते हैं। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक 400 प्लस रन स्कोर नहीं किए, और वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है, हाई रन के मैचेस होंगे, हमें पता है बैटिंग ट्रैक्स होंगे, तो बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर पाकिस्तान को अच्छे रन देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं समझता हूँ ये है कि पाकिस्तान को 400 प्लस का शायद कोई टारगेट भी मिल जाए वर्ल्ड कप के अंदर। क्या पाकिस्तान उस टारगेट को चेस कर पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक 400 प्लस रन स्कोर ही नहीं किए। पाकिस्तान को चाहिए था कि कर लेता, क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है, एक आपको ना जिसको कहते हैं ना बूस्ट मिलता है कि आपने पीछे ये पास में रन किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किए, तो ये बड़ा बड़ा धचका मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। अलबत्ता क्वालिफायर के अंदर जिम्बाब्वे ने सुपर परफॉर्मेंस दिखाई है, दिल खुश कर दिया। वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान आने वाली है 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक पाकिस्तान में रहेगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं पीएसएल की, पीएसएल 8 के रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं, तो पीएसएल 8 से पाकिस्तान के बोर्ड ने, फ्रेंचाइजी ने कितने करोड़ कमाए, तो आप सुनकर हैरान होने वाले, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज ने मिलकर 5.62 बिलियन जिसको कहते हैं ना पैसा कमाया है। पीएसएल 8 ने 5.62 बिलियन का पैसा कमाया है। इसके अंदर से 5% जो कि 58 करोड़ बनता है वो गया किसके पास से? वो गया पीसीबी की तरफ। इसी के साथ साथ 504 करोड़ जो थे वो गए फ्रेंचाइजीज के पास, 84 करोड़ ईच फ्रेंचाइज के पास गया, तो ये बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि ये साबित कर रहा है ना पैसा लगा हुआ, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट कट भी रहे, इन्वेस्टमेंट का पैसा आ भी रहे। इसी के साथ साथ अलग तरीकों से भी फ्रेंचाइजीज बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, मर्चेंडाइज को सेल करके कमाते हैं, गेट मनी होती है, बड़ा कुछ होता है, तो मतलब कि पैसा इन्होंने बहुत कमाया। इसका मतलब यही है कि पीएसएल जिसको कहते हैं ना ट्रैक पे चले, लेकिन फ्रेंचाइजीज अभी भी ना खुश है, वो ये समझती है कि हमने जिसको कहते हैं ना और पैसा कमाना चाहिए। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि कुछ ना कुछ करके 400 प्लस रन करना सीखे।